मेरी वजह से किसी को गन से डराना पड़े, मैं इतनी भी बेसहारा नहीं। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूं। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, मैं हैंडल कर लेती। ये दिल्ली है मेरा, और देख के लग तो नहीं रहा था कि तुम उसे हैंडल कर पा रही थी। ये गन तुम हमेशा अपने पास रखते हो? सिर्फ पार्टीज के लिए, वही तो मौका मिलता है इसे तानने का। क्या पूछना गलत होगा, ये गन आज तक तुमने किसी पर चलाई है? नेवा, इसे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ दिखाने से ही काम हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगा अगस्त्य, अखिल भैया ने बिल्कुल सही कहा था, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ऐसे गन दिखाकर सुलझाई नहीं जा सकती। अगस्त्य, तुम जानते हो यू विल बी इन ट्रबल। तुम्हारे चाचा जी बहुत गुस्से में थे, पर अब तो आदत हो गई है मुझे उनके गुस्से को सहने की और थैंक्स सुनने की। आदत है, थैंक यू अगस्त्य। मेरे लिए फील किया, इस बात की मैं कदर करती हूं, लेकिन मेरे लिए जो हरकत की तुमने उसकी नहीं। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, एक बार जिसे देख लेता हूँ शीशे की तरह उतार लेता हूँ। जान गया था तुम्हें बिजली हो। श्यामा भाभी, आप मुझे ढूंढ रही थे, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है? गजब हो गया है, आपके प्यारे देवर ने भरी पार्टी में गन निकाल ली। और यही नहीं, एक गेस्ट के सर पे तान दी। हाँ, वो बात अलग है कि जिसपे गन तानी वो भी पिया हुआ था। कौन सा आदमी? वो जिसने ब्राउन कलर का सूट पहना था। श्यामा भाभी, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आदमी हो, सबने तो पी हुई थी। आप सुन भी रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ सुन रही हूँ। अगस्त्य ने पार्टी में गन निकाली, हमारे पापा की पार्टी में। किसके लिए? किसके लिए? उसके लिए जिसकी भोली भाली सी सूरत और अंदर से एक नंबर की झूठी और चालू। कौन? मीरा। अगस्त्य,
कैसे ने भरी पार्टी में मीरा को उस पियक्कर से बचाने के लिए गन निकाल ली। वाह, अपनी बहनों के लिए तो कभी उसने ऐसा बहादुरी का काम नहीं किया, लेकिन मीरा के लिए, ये मीरा जैसी औरतों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूं। पहले तो आदमियों को फंसाती है, फिर उनका इस्तेमाल करती है, और फिर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। बहुत अच्छी साड़ी है, सुंदर लग रही हूं नंदिनी। तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही है, तुम और सिर्फ तुम ही मिसेज अनिरुद्ध अस्थाना। नंदिनी, तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी। तुम इतनी खूबसूरत दिख रही हो जैसे जान की उसने भीगा हुआ एक गुलाब का फूल। वाह, मुझ पे जादू चलाना काफी नहीं था? ऊपर से मेरा फेवरेट कलर भी पहन लिया तुमने। अब तो मैं गया कहां था? आज पार्टी में गन निकाली, वो भी किसके लिए? मीरा के लिए। मुझे तो लगता है कि अगस्त्य मीरा पे धीरे धीरे फिसल रहा है। नुपुर, मैं तुझसे बात कर रही हूं, कहां गई है? आपको पापा को देखना चाहिए था। एग्जैक्टली, पापा तो आज अगस्त्य की ऐसी क्लास लगाएंगे ना। मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या सुन रही हो दीदी? आपको याद है मुझे ढूंढा जा रहा था? हाँ, पापा ने मुझे किसी से मिलवाया। पापा ने पैर छूने को कहा। पैर छूने का मतलब तो जानते हो ना आप? कि हम सुशील हैं, संस्कारी गाय हैं। किसी से मिलो तो लगे कि लड़कियां नहीं जैसे पालतू गाय हैं। इसमें गाय कहां से आ गई? पापा तो मेरी शादी करवा कर ही मानेंगे। तो इसमें गलत क्या है? अपनी एज तो देख। मैं सिर्फ 21 साल की हूं। राइट, ये इंडिया है, लड़कियां यहां 19 में कदम रखते ही ब्याह दी जाती हैं। ये क्या कह रही हो दीदी आप? सच नुपुर। वैसे 21 भी बुरा नहीं है। देख, शादी ना टाइम से हो जानी चाहिए, नहीं तो रिश्ते विश्ते आने सब बंद हो जाते हैं। जैसे टीटीसी के बस स्टॉप पे खड़े हो और कोई बस ही नहीं आ रही हो आपके लिए। ये होता है शादी का मतलब, टीटीसी की बस पकड़ना? गलत मिसाल दे दी नुपुर। 21 साल कब 30 साल में बदल जाते हैं ना, पता नहीं चलता। और मैं तेरी बड़ी बहन हूं, मान ले मेरी बात, नहीं तो जो भी रिश्ता आएगा ना उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये रहा है आपकी शादी के बारे में। आपको शादी के बारे में क्या पता? आप तो खुद शादीशुदा होने के बावजूद अपने पापा के घर में रहती हो। मैं अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सगा भाई होने के नाते मैं कुछ नहीं कर पाया। अगस्त मेरा भाई है, यकीन नहीं आता कि इतनी गर्मी है उसमें। अगर वो आदमी बदतमीजी कर ही रहा था तो बंदूक निकालने की क्या जरूरत थी उसे? पहले तो मुझे लगा था कि बचपन है उसका,
मुझे पार्टी में किसी ने पहचान लिया। कौन? कोई था जो मुझे उस नाम से बुला रहा था। वो नाम सॉरी दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, पर मैं अलग सोचती हूँ। मुझे अपनी अलग सोच रखने की आजादी है कि नहीं? जब से हम लड़कियां पैदा होती है हमें एक जिम्मेदारी समझा जाता है, ये करो वो मत करो, इससे बात मत करो। दीदी ये सब कायदे कानून सिर्फ हमारे लिए क्यों? क्योंकि बोझा होते हैं हम माँ बाप के लिए। सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। जब कोई लड़की पैदा होती है ना तो उसके लिए एक कैलेंडर बनता है, इस उम्र पर जाके पढ़ाई करो, उस उम्र पर जाके शादी करो, नहीं तो इतनी उम्र तक तो बच्चे पैदा होने ही चाहिए, नहीं तो फिर आपकी वो डीटीसी की बस छूट जाएगी ना। ये सारी पाबंदियां आदमियों के लिए क्यों नहीं होती दीदी? उन्हें तो जब चाहे तब शादी करो, बीवी से प्यार करो या बाहर जाके अफेयर करो, ये पूरी दुनिया तो सिर्फ उनके लिए ही है। और हमारे लिए? नूपुर ऐसा नहीं है, अच्छी शादियां भी होती हैं। जिसको शादी नहीं करनी हो ना और जबरदस्ती करवा रहे हो उनसे पूछना। अरे मैं तो मर रही हूँ इस इंतजार में कि कब मेरी शादी होगी। लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि लड़का अमीर होना चाहिए, घर में नौकर चाकर होनी चाहिए ताकि किचन के मुझे दूर से भी दर्शन ना करने पड़े। हाँ फिर बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनो और जब चाहो तब लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ। और हाँ बंगलो ना गुड़गांव सिविल लाइन में होना चाहिए, है ना? तू कभी नहीं सुधरेगी दी, पढ़ाई करके किसका भला हुआ है? हाँ मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द घर से निकल जाओ और मजे करो। लेकिन आप जो है, आप जो इस लाइन में डट के खड़ी हो तो कैसे जाऊं दी? प्लीज शादी कर लो ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊं। तेरे इस शादी के प्लान में तेरे उस पति की कोई डिमांड्स की जगह है या नहीं? और तू इतनी क्यों डेस्परेट है शादी करने के लिए? तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं होना चाहती, अपने लाइफ में कुछ करना नहीं चाहती, कुछ बनना नहीं चाहती? नहीं, और वैसे भी आप क्या कर रही हो? एमए पढ़ रही हो? मैं अपनी लाइफ बनाऊंगी, कुछ तो करूंगी। ऐसे दबाव में आकर शादी? कभी नहीं। वो बाहर डांस, उसका अतीत, वो काली रात जो मैंने आपसे मिलने से पहले गुजारी थी, उसे सब पता था कि उसे सब पता था, सब पता था उसे। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं डर गई थी अखिल, आपको पता है पूरी पार्टी में मैं उससे छुपती रही और वो शिकारी की तरह मुझ पर ही नजरें रखे हुए था। अब क्या होगा, क्या होगा वो, क्या होगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। I'm sorry, मैं तबाह नहीं था और तुम्हें ये सब कुछ अकेले सहना पड़ा। अखिल मुझे लगा
मेरी ये बसाई गृहस्थी तिनकों की तरह हवा में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम इस आदमी को पहले से पहचानती हो? क्या तुमने इसे पहले देखा है? उसने उसने ब्राउन कलर का सूट पहना था। अरे एक बार आखिर अब क्या होगा? क्या होगा आखिर? कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगा श्याम। आखिर वो चाचा जी का दोस्त हुआ तो? मैं तुमसे वादा करता हूं वो आदमी तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। कभी नहीं पहुंचेगा। इस आदमी का पता लगाना ही पड़ेगा। आलू के पराठे एक और दो ना, एक और, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। साले साहब, कल तो कमाल कर दिया आपने, एकदम फिल्मी हीरो की तरह। हीरोइन डेंजर में बेचारी बेसहारा, और उस खूंखार खलनायक के सामने आपने निकाली अपनी पिस्तौल और ठा 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 ठा। जमाए बाबू का ठा 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 ठा, नौटंकी बाज हो आप। हमरा खानदान नौटंकी बाज नहीं। बिटवा, जब भगवान अक्कल बांट रहे थे तो क्या सोए थे तुम? इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी, वो भी 2% की? आइए मीरा रानी, आइए। शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। ये है हमारी खास मेहमान। कहिए आपकी खिदमत में क्या पेश करें? पराठे, जूस, फ्रूट, क्या खाएंगी आप? अरे पार्टी तो इनके नाम की दी जाती है। अच्छा, और मुझे लगा कि वो पापा की कंपनी को 25 साल पूरे हुए इसलिए पार्टी दी गई है। दिमाग ठंडा हो गया तुम्हारा? यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। बीजी, मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट। ये है मेरे घर के लोग, और आप इनकी वकालत करते हैं मेरे सामने? कल तक जो बलराज अस्थाना शेर की तरह सर उठा के सबके सामने घूमता था, आप सब बेवकूफ और नालायकों की वजह से मेरी गर्दन शर्म से झुक गई।